अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में हमारे चैनल का जो बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर वीडियोस की जानकारी यानी मालूमात आप तक पहुँचता रहे। आज मैं आपको बताऊँगा कि पिक्सल लैब में आप व्हाट्सएप प्रोफाइल की जो है ना, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, वो 3D कैसे बना सकते हैं आप। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा सिर ऊपर निकला हुआ है, तो मैंने ये 3D कैसे बनाया है, तो वो मैंने अभी बनाया है पिक्सल लैब के ज़रिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि तो पिक्सल लैब आपके पास है तो आप उसे ओपन कर लीजिए और साथ में मेरे साथ इसे ट्रिक्स करते रहिए, ठीक है। तो आपको ये वाइट लेना होगा दोस्तों। पहले पहले आपको ये करना है कि प्लस वाले में जाना होगा आपको, यहाँ पे शेप्स पड़े होंगे तो शेप्स में जाना होगा आपको और यहाँ पे इसको गोल कर लेना है और नीचे जो भी रंग हो आपको पसंद हो वो यहाँ पे डालना होगा आपको। मैं अभी के लिए तो ये लगा रहा हूँ, तो इसको थोड़ा मैं बड़ा भी कर देता हूँ। बड़ा करने के लिए इसमें आप हाथ नहीं डालोगे, हाथ डालोगे तो ये काम से निकल जाएगा। अपने रिलेटिव साइज, इसमें साइज़ में जाएंगे या प्लेस में जाएंगे, प्लेस में बड़ा करेंगे। अब इसको बड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे। अभी इसको अनेबल ही ठीक है, वरना अनेबल मत करना। तो इसको प्लेस कर देते हैं। अभी रिलेटिव पोजिशन ठीक करते हैं। अभी बीच में जोड़ते हैं इसको, प्लेस कर देते हैं। अभी जो अब हम क्या करेंगे कि फ्रॉम गैलरी में जाएंगे। आपको पहले पहले ऐसा करना होगा कि आपको अपनी जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना होगा। वो आपका चेंज नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते शायद। तो मैंने आगे से बैकग्राउंड चेंज करके रखा है, तो आप कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे गोल शेप में लाता हूँ दोस्तों। ये मेरा हो रहा है, ये बहुत ही बढ़िया। ये मेरे कज़न ने मुझे ट्रिक दिए, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। उसने भी कहा है कि मैं भी बनाऊंगा चैनल एक दिन। दोस्तों आप उसे सर्च कर सकते हैं फेसबुक में। फेसबुक में आपके पास ये स्क्रीन में आ रहा होगा, उसका नाम आ रहा होगा, ये उसका पिक है। दोस्तों चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो ये देखिए कि यहाँ पे हम इसको बड़ा करेंगे थोड़ा। अभी हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, पोजीशन नहीं, यहाँ पे ना रिलेटिव साइज में जाएंगे। फिर हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, इसको बीच में छोड़ते हैं। अभी अनेबल को कर देते हैं। अभी यहाँ पे इसमें देखते हैं इसको, तो यहाँ पे आपको इसकी सेटिंग कर लेनी है। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, ये ठीक है। अभी आप इस गोल को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। अभी गोल को आप टच करेंगे तो आपके ये पिकन है उसको आप टच कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर जो लेयर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो इसमें जाके आप उसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम बड़ा कर सकते हैं। अभी इसको थोड़ा इतना ठीक है शायद। अभी हम इसकी पोजीशन सेट कर देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। नहीं यार, इसको नहीं, इसको बीच में छोड़ देते हैं। तो ये ठीक है। अभी हम पिक को ठीक करते हैं। अभी अभी हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि आप, मैंने बहुत ही बढ़िया से बना लिया है। अभी हम इसको और भी सेटिंग करेंगे। अभी लेयर में जाएंगे, लेयर में जाने के बाद उसको हम टच करेंगे। उसको टच करने के बाद हम लेयर से निकलेंगे। अभी आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप जो भी कलर रखना चाहेंगे। तो इतने और भी कलर हैं जो बढ़िया से हैं। मैं अभी आपको समझाने के लिए सिर्फ ये ग्रीन रख रहा हूँ और यहाँ पे
ये ठीक है, कलर प्लेट ये मैंने इस्तेमाल नहीं किया है अभी, पता नहीं ये क्या है, तो इसको आप छोड़िएगा। स्ट्रोक स्ट्रोक में जाके ये है ना, तो ये इसको ब्लैक कर दीजिएगा, ठीक है। ब्लैक करने के बाद यहाँ पे इजियर नहीं, रोटेट नहीं, 3D नहीं, 3D नहीं, यहाँ पे शेडो शेडो वाला आएगा आपको, ये ब्लैक शेडो, जो आप शेडो रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, मैं तो ब्लैक ही रखना चाहता हूँ। अभी शेडो को आप बढ़ा भी सकते हैं, ये ठीक है इतना। तो अंदरूनी शेडो भी है, अंदर में नहीं रखना चाहता हूँ शेडो, तो इसको वाइट कर देता हूँ, वाइट ठीक है। अभी इसको अनेबल कर देते हैं, लाइट एंगल, तो ये ठीक है दोस्तों, नहीं लाइट एंगल मज़ा नहीं दे रहा है, तो ठीक है दोस्तों, ये आपका बन चुका है। अभी आप इसको सेव कर सकते हैं, सेव करने के लिए आपको फर्स्ट में ऊपर जो मेमोरी वाला आ रहा है इसको दबाइएगा आप, और सेव एज इमेज, तो आपको इसमें रन कर देना है, तो आप इसको व्हाट्सएप पे भी रख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारा ये वीडियो पूरा देखा है और अभी तक हमारा जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए।